वेलकम टू माई चैनल रजा टेलर। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जिस तरह हर रोज आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। हर सुबह आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। सो आइए आज मैं आपको स्टेट शेल्ड के लिए इनकरेज करता हूँ। सो अपनी दुआओं में और ज़रूर अपनी थैंक्स गिविंग दीजिए। और दिसंबर का ये मंथ है और ज़रूर आप अपना ख्याल रखिएगा सर्दी में बचने के लिए। सो आइए मेरे साथ मिलकर आप कटिंग सीखें। पहला मार्का हम 1 पे डालेंगे और दूसरा मार्का हम 8 पे डालेंगे, तीसरा मार्का हम 15 पर और चौथा मार्का हम 24 पर। और हम छोटा फुट लेंगे, यहाँ पर हमने मार्का डाला सीधा, यहाँ 8 पर, यहाँ 15 पर और यहाँ ये लेंथ 44.5 पर। पहला मार्का हम 3 पे लगाएंगे और दूसरा मार्का हम शोल्डर के लिए 15.5 पर, 15.5 पर ये लग गया। और चेस्ट है इसकी 22 और कमर है इसकी 20, हिप्स है इसकी 23.5 और दामन है इसका 24। ऊपर आ जाए और ये हमने 15 और 15 को आपस में मिला लिया। उसके बाद हम कमर और चेस्ट को मिलाएंगे। बड़ी त्वचों के साथ देखिएगा, आपकी त्वचों, आपका वक्त बहुत कीमती होना चाहिए। और ये दामन और हम हिप्स को मिलाएंगे। इसी फुट को लेकर हम इस कमर का निशान बनाएंगे और ये आप देख सकते हैं, ये हमने हिप्स और कमर को मिला लिया है। और उससे पहले ये आप देखें कि 1 इंच हमने अंदर की तरफ डाला और 1 इंच यहाँ, और 3.5 पर हमने ये निशान डाल रखा है। और यहाँ पर हम ऐसे गौर के साथ आप देखिएगा, और ये भी, और ये सारे मार्के मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम सीज़र के साथ से 3.5 पर ये ले गए हम, और एक एक पाउंड लेकर हमने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से एक पैर लेकर हमने ऊपर वाला आमूल फ्रंट का आमूल कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ऊपर वाला हम उठा लेंगे और फिर हम इसे नीचे वाले को कटिंग करेंगे। और यहाँ से फिर हम 1.5 इंच लेकर बड़ी तरतीब के साथ हम इसे, बड़ी नफासत के साथ हम इसे कटिंग करेंगे। अब ये देख सकते हैं इसका सैड चौक है 14 पर हम इसका सैड चौक डालेंगे। और अब देख सकते हैं कि हमने 23.5 इसकी हिप्स रखी है और ये पूरी आ रही है। सो थैंक यू। ये यहाँ पर हम टक डालेंगे और यहाँ पर ये चेस्ट है और ये चौक की जगह है। नीचे हमने बॉर्डर डाल रखा है। ये सारी चीज़ें आपने डिटेल के साथ देखी, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और इसी तरह आप सीखते जाएं, इनकरेज का स्वाद बनते जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।